हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो स्पेशली वो एक्चुअली देखा जाए तो मेन और वुमेन दोनों के लिए भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो जेंट्स भी जाते हैं फेशियल और क्लीन अप करवाते हैं एंड ऑल। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेस्ट टेक्निक, मैं स्पेशली मैं फेशियल वगैरह बहुत कम कराती हूँ, साल में 2 बार ओकेशनली, वो भी उसके अलावा मैं फेशियल नहीं कराती हूँ और मैं क्लीन अप प्रिफर करती हूँ। तो क्लीन अप भी मैं 3-3 महीने में एक बार करती हूँ, बट मतलब अराउंड अभी 1 साल होने आया है। मुझे जो एक प्रोडक्ट है जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी, जो मैं यूज़ करती हूँ, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, अगर आपको जल्दी से कहीं जाना हो तो पार्लर वेलर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठे बैठे खुद के हाथ से सिंपल वे से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है गाइस, बिलीव मी, मैं सच में आप लोगों को ऐसा लगेगा मैं वीडियो के लिए बोल रही हूँ, बट एक्चुअली बहुत अच्छा इफेक्ट, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और सच में मैं फेशियल मतलब नहीं कराती हूँ, मुझे मेरे स्किन एक्चुअली बहुत सेंसिटिव है, मुझे बहुत कम चीज़ें सूट करती हैं। तो मैं जैसे मैंने बोला मैं नहीं कराती हूँ ऐसा नहीं बोल सकती, बट इन साल में 1 बार या 2 बार, इससे ज़्यादा मैं नहीं कराती हूँ। मुझे कभी ऐसा ज़रूरत भी नहीं लगती, क्योंकि मैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया था सीरम और सनस्क्रीन यूज़ करना, और फिर रात को सीरम यूज़ करती थी। मतलब पहले तो मैं काफ़ी बार अब बादाम ऑयल भी यूज़ कर सकते, बट मेरा स्किन काफ़ी ऑयली हो जाता है इसलिए मैं ऑयल नहीं यूज़ करती। अदरवाइज़ रात को सोते वक्त आप बादाम ऑयल भी अपने डार्क सर्कल के लिए और फेस के लिए एक बार अप्लाई करके सो सकते हैं। बट अगर आपके फेस पे पिंपल्स है तो आप ऑयल यूज़ मत करिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि तब आप कोशिश करिए कि आप सीरम यूज़ करिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि वो सीरम बिल्कुल ऑयली नहीं है, बहुत अच्छा है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। और टोनर भी है जो आप एक यूज़ कर सकते हैं, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी टोनर के बारे में भी, मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं कौन सा टोनर यूज़ करती हूँ और मैं क्यों वही यूज़ करती हूँ और उसको कैसे यूज़ मैं करती हूँ और उसके रिजल्ट्स कितने जल्दी आपको मिलेंगे और रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं। अभी जो है मैंने नायका से कुछ मंगाया हुआ है, तो पहले हम उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या है, उसे यूज़ कैसे करना है और वो कितना इफ़ेक्टिव है। तो चलिए करते हैं हम जो हमने मंगाई है उस चीज़ की अनबॉक्सिंग। सो लेट्स स्टार्ट। ये है नायका का मेरा प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया था, ये आ चुका है, 2 दिन के अंदर आ गया था। तो अब हम लोग करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। ये है वो प्रोडक्ट और अब हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। इसके प्राइस के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, पहले हम इसे देखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका MRP रेट कितना है और नायका पे आपको ये कितने में मिलेगा आफ्टर डिस्काउंट। तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। सारी चीज़ें मैंने अलग अलग मंगाई है, मीन्स ये पूरा कोई पैक नहीं है, इस सारी चीज़ें अलग अलग है। तो मैं आपको एक एक करके पहले मैं निकाल दूँ फिर आपको बताऊँगी। ये इसका इनवॉइस बिल, दिस इज द सेकंड वन, हियर इज थर्ड वन। तो मैंने अपने स्किन को, जो मेरे स्किन को सूट करता है उसके अकॉर्डिंगली मैंने मंगाया हुआ है। तो अभी हम ये तीनों के पहले इसको अनरैप करेंगे। ये है सबसे पहला चीज़, ये है एप्रिकॉट स्क्रब लोटस का, आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट थिंग। दिस इज फेशियल फॉर्म क्लिनजिंग मिल्क, जैसे आप बोल सकते हैं, टू क्लीन योर फेस, फर्स्ट वाइट ग्लो क्लिनजिंग फॉर्म। एंड थर्ड वन इज माई फेवरेट, ये मेरा फेवरेट है। अगर मैं कभी स्क्रब और क्लिनजिंग नहीं भी कर पाती और मुझे बाहर जाना है तो मैं
इसको ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ अगर मुझे कहीं बाहर, मीन्स ऐसे बाहर नहीं, ओकेशनल कहीं मुझे कोई फंक्शन में जाना है तो इसमें इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये है लोटस हर्बल का वाइट ग्लो योगा स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग मास्क। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इट्स अ लाइक फेस पैक, आप इसको लगा लो। अगर आप ये सब यूज़, मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ, बट अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप अर्जेंट में हो, आपको बस ये चाहते हो कि फेस पे एक फेस साफ दिखे और फेस पे हल्का सा ग्लो रहे, फेस जो है आपका एकदम बहुत अच्छा वाइटनिंग करता है ये स्किन, तो आप चाहते हो कि जल्दी से आपके फेस पे कुछ अच्छा ग्लो और वाइटनिंग आए, तो आप ये ज़रूर यूज़ करें। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं ये सारे प्रोडक्ट्स के जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूंगी, और अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो मैं नायका का लिंक भी शेयर कर दूंगी जहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। सो ये है वो तीन प्रोडक्ट लोटस के। तो इसे यूज़ मैं ऐसा करती हूँ कि पहले तो मैं है ये 3-in-1 डीप क्लींजिंग से अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मैं आप लोग को थोड़ा सा अपने हैंड पे यूज़ करके बताती हूँ कि ये कैसा दिखता है। ओके, तो मैं आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा सा इससे यूज़ करती हूँ। यू कैन सी ये ऐसा है, बहुत ही मतलब ज़्यादा भी लिक्विड नहीं और ज़्यादा भी ये नहीं है। इसको आप क्लिनजिंग कर लें इससे, यू कैन सी इससे अच्छे से क्लिनजिंग करें, फिर धीरे धीरे ये लाइक ये फेस वॉश की एज अ फेस वॉश भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और फेस क्लीन भी कर लेगा। तो एक्चुअली अगर आपको चाहिए कि आप कोई फेस वॉश के लिए आप कोई यूज़ करें, आपको नहीं सूट कर रहा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं यार गाइस। रात को सोते वक्त इससे अपना फेस क्लीन कर लो, इसको अच्छे से ये करो। देख सकते हैं आप इसमें कैसे फोम जैसे वाइट वाइट आया है, और इसको क्लीन करते जाओ जब तक ये पूरा लाइक ड्राई नहीं हो जाता, सोख नहीं लेता। उसके बाद ये देखिए गाइस, इस ये पूरा यूज़ कर लिया है मैंने, इस पूरा अच्छे से मेरे स्किन में ऑब्जर्व हो चुका है। इसके बाद आप इसको वाटर लें और अपने फेस पे इसको लाइक पानी डाल के फिर से इसका इससे क्लींजिंग करें आप। तो ये तो मैंने कर लिया है, अब मैं आप लोग को बताऊंगी सेकंड मैं क्या करती हूँ। इसको यूज़ करने के बाद लाइक मैं पानी से इसको मैं कॉटन से जो है क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। मैंने गीले कॉटन से यहाँ पे इसको क्लीन कर लिया है। आप इसको गीले कॉटन से भी रात को सोते वक्त क्लीन कर सकते हैं, अदरवाइज आप फेस वॉश कर सकते हैं तो आप फेस वॉश कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे ये लोटस हर्बल का एप्रिकॉट स्क्रब। इस ये जो है फ्रेश एप्रिकॉट स्क्रब है, ये भी मुझे काफ़ी पसंद है। जबकि हर्बल लाइक लोटस हर्बल्स का और भी बहुत सारे लाइक स्क्रब आते हैं, वाइटनिंग स्क्रब भी आते हैं, जैसे ये वाइटनिंग फेस पैक है इसका ही वाइटनिंग स्क्रब भी आता है, बट मुझे एप्रिकॉट लाइक स्क्रब ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये अच्छे से जो है हमारे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स जो भी है वो रिमूव कर देता है। गाइज आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप स्क्रब यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से अपने फेस पे इसको रब मत करें, खाली जहाँ पे आपको ज़्यादा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है वहीं पे आप थोड़ा उसको थोड़ी देर तक स्लोली रब करें, अदरवाइज जहाँ नहीं है वहाँ आप एक बार इसको अच्छे से करके लाइक आप अराउंड 2 मिनट्स इसको स्क्रब करिए धीरे धीरे, और उसके बाद आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। मैं इसका भी आपको बता देती हूँ। ओके, ये कुछ इस तरीके से है, इसको स्क्रब करेंगे तो ये ऐसा है, और एप्रिकॉट स्क्रब है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से जो भी वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स है सब अच्छे से निकल जाते हैं ऑलमोस्ट। फेस को अब पहले अपना फेस धो लीजिए, पानी मत यूज़ करिए, उसके बाद ये स्क्रब लगा के आपका फेस गीला होगा उसको अच्छे से रब करिए, एंड आफ्टर दैट आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो अब मैं इसको भी क्लीन कर रही हूँ।
बहुत ही अच्छा, लाइक सामने में दोनों हाथों में लाइक डिफरेंस दिख रहा है मुझे अभी से, बहुत ही क्लीन लग रहा है, काफी क्लीन हो गया ये। ठीक है, उसके बाद पैक का तो मैं आपको क्या बोलूँ, ये पैक जो है मेरा फेवरेट है, आप पैक यूज़ कर सकते हैं, ये वाइट कलर में आता है पैक भी, पैक इज़ एक्चुअली वेरी गुड मैम, पैक तो मेरा फेवरेट है ऑल टाइम। मैं लगभग लगभग आज मुझे 3 इयर्स होने आए मैं लोटस, एक्चुअली मुझे जल्दी कोई ये सूट नहीं करता, आज 3 इयर्स होने आए मुझे मैं इसका ये जो है पैक, इसकी स्मेल भी इतनी इतनी अच्छी होती है ना। मैं यहाँ पे बहुत लाइट तरीके से लगाई, बट मैं आपको ये लाइक सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा जो है डार्क ही लगाएं इसको, लाइक एकदम लाइट नहीं करें। मैं आप लोगों को अभी जस्ट दिखाने के लिए बता रही हूँ कि ये ऐसा होता है वाइट, इसको लगाइए और फिर इसको जब तक ड्राई नहीं होता इसको छोड़ दीजिए, जैसे ये ड्राई हो जाएगा अपना फेस क्लीन कर, लाइक इसको मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ना, इतना स्मूथ है और अभी से मतलब इसमें ऐसे ही शाइन दिख रहा है। तो आप सोचिए आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन कितनी, आफ्टर वॉशिंग योर फेस आपका स्किन 100% शाइन ग्लो करेगा। तो अगर आपको अर्जेंट में कहीं लाइक पार्टी में जा रहे हो या लाइक शादी है और आप फेशियल नहीं करा सकते, तो आप ये 3 चीज़ यूज़ करके भी आपके स्किन में काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा। यू कैन यूज़ इट एंड आप रिजल्ट 100% आपको अच्छा लगेगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो ये 3 वो प्रोडक्ट है। अच्छा, ये जो मैंने जहाँ पे मैंने नई हैंड में यूज़ किया है यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि ये काफ़ी लाइक ड्राई और ऐसे शाइन नहीं है, बट ये जहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज और शाइन सब कुछ दिख रहा है। तो ये आपके फेस पे तो 100%, और क्योंकि ये एक हर्बल प्रोडक्ट है तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है इसलिए मैं ज़्यादा कोई फेशियल बाहर करने से पहले मुझे डर लगता है कि मेरे को फटाक से पिंपल्स आने लगते हैं, मेरे स्किन इचिंग शुरू हो जाता है। तो मैं जो प्रोडक्ट्स, मैं अपने स्किन को लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरे को बहुत सारे एलर्जीज हो जाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मुझे सूट नहीं करते, बट लोटस प्रोडक्ट मुझे हर वक्त सूट करता है एंड स्पेशली दिस, ये जो पैक है मास्क है वो स्पेशली, एंड दिस एप्रिकॉट स्क्रब इज़ ऑल टाइम फेवरेट। और अगर आपको फेस वॉश, एज अ फेस वॉश भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये 3 साथ में यूज़ करने के लिए इज बेस्ट थिंग गाइज, आप बिलीव मी ये बेस्ट थिंग है। मैं इसका जो भी लाइक लिंक है आपको परचेस करना है अगर, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी नायका का, इसलिए बोल रही हूँ, मैं आप बाहर से भी परचेस कर सकते हैं बट नायका इसमें आपको ऑफर दे रहा है। ये जो चीज़ें हैं आपको हर एक चीज़ आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिलेंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको किसका MRP क्या है और आपको नायका से परचेस करने में क्या डिस्काउंट मिल रहा है। तो चलिए अब मैं आपको इसको बताती हूँ ये 3 प्रोडक्ट का प्राइस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि ये स्क्रब इसका जो MRP है वो है 95 रुपीज़, और आपको ये नायका में मिलेगा 86 रुपीज़ में। सो लगभग लगभग 10% आपको इसमें ऑफ है। ओके, सो ये जो मेरा फेवरेट है मास्क ये है, इस पे आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, ये मास्क पे आपको 50% 15% 15% डिस्काउंट मिलेगा। इसका एक्चुअल प्राइस है 225, आपको ये नायका पे 191 में मिलेगा। मैं इसका भी लिंक आपसे लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक शेयर कर दूंगी। देन जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है क्लिनजिंग, तो इसमें भी हमें 15% डिस्काउंट है, 15% डिस्काउंट। इसका एक्चुअल प्राइस है 135, इसका एक्चुअल प्राइस है MRP प्राइस, और आपको नायका पे परचेस करने पे ये 115 में मिलेगा गाइस। तो मतलब आप लगभग लगभग 40% तक का आपको डिस्काउंट ये 3 परचेस करने में मिल रहा है नायका से, 3 प्रोडक्ट को इंक्लूड करके। तो ये कुछ मतलब बुरा नहीं, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है। अगर आप ये मेडिकल स्टोर या शॉप से खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10% मिलेगा, एक में तो आपको 10% है बट ये दोनों में 15% है। तो अगर आप
घर बैठे बैठे अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो नायका से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे लिंक शेयर कर दूंगी। मुझे कोई नायका से कुछ भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट क्योंकि ऑफ़र होता है तो मुझे नायका में जब भी ऑफ़र होता है लोटस की, स्पेशली लोटस को लेके, तो मैं ऑर्डर करती हूँ क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद है और हर्बल प्रोडक्ट है तो मेरे स्किन को भी बहुत सूट करता है। एंड अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको फेशियल की ज़रूरत क्यों नहीं है और ये चीज़ें आपके लिए क्यों बेस्ट हैं, और ये हर्बल है तो यू कैन ट्रस्ट इट। एंड अब आपको क्या बोलूँ, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने मैं जब मंगाती हूँ तो अराउंड मैं हफ्ते में इसको 2 डेज़ यूज़ करती हूँ। लाइक एक तो संडे और एक कोई भी वेनसडे और थर्सडे तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। और मास्क जो है अगर मैं कभी नहीं यूज़ कर पाई तो मैं अगर कहीं बाहर जाती हूँ तो ये मास्क मैं ज़रूर अप्लाई कर लेती हूँ। इस 15 मिनट में सूख जाता है, 10 to 15 मिनट्स में, और उसको आप वॉश करके, आप 10 मिनट्स में ये ड्राई हो जाता है, इसको वॉश करके देन आपके फेस पे आप डिफरेंस देखेंगे। ये पूरा आपका फेस भी क्लीन हो जाएगा और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। स्किन वाइटनिंग भी करता है, टैन वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है, और आप इसको अपने हैंड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको टैन है, आप जाते हो बाहर और आपके फेस पे ही लाइक हैंड्स पे टैन है, तो आप इसको अपने हाथ की हाथ पे भी यूज़ कर सकते हो, वो ये टैन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। एंड ये प्रोडक्ट जो है दोनों यूज़ कर सकते हैं, जेंट्स वुमेंस एंड जेंट्स लड़कियाँ गर्ल्स, एवरी वन कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट। इट इज़ हर्बल एंड एब्सोल्युटली वेरी गुड प्रोडक्ट। सो गाइज, आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिल सके मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको कुछ होम रेमेडी बताऊँगी तो जिससे आप घर पे बैठे टैन कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करूँगी। तो ये इसके जो भी परचेसिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं है लिंक शेयर कर दूँगी, और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है प्रोडक्ट्स के बारे में या मेरे वीडियो के बारे में जो भी, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप अपने लाइक रिव्यूज़ भी मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके दे सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, सी यू अगेन विद न्यू वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।